हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय एशिया एग्रीगेटेड हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदर्शनी में DRDO सर्वे ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है उनको जानने का मौका मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है वो इस प्रदर्शनी में दिख रहा है। वहीं भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक भारत बलियाल ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को जैविक और आयुर्वेदिक उत्पादों से होने वाले लाभ से अवगत कराने के साथ ही इन उत्पादों के उपयोग को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि केमिकल युक्त उत्पादों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए जैविक व आयुर्वेदिक उत्पादों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दिसंबर माह में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को इस तरह के आयोजन से बल मिलेगा और प्रदेश में देश के कोने कोने से कंपनियां हैं जो इस प्रदर्शनी में आई है प्रदेश में इन्वेस्ट करेगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक्सपो से फायदा मिलने वाला है, एक तो इसमें एक्सपो में सरकारी विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, भारत सरकार का साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय, NSME मंत्रालय, इनके स्टॉल लगे हुए हैं। उससे जो सरकार की योजनाएं आम जन के लिए चल रही हैं तो उससे आम जन रूबरू हो सकता है, उसके लिए एक वाइब्रेंट उत्तराखंड के नाम से प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। दूसरी बात मैं अगर करूँ आयुर्वेद की और ऑर्गेनिक की, आयुर्वेद को फायदा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि आयुर्वेद से आम जन को फायदा हुआ है। कोविड के समय में महामारी के दौरान हमने देखा कि अगर सबसे कारगर कोई चीज़ थी जो आम जनमानस को उसके जीवन शैली में बचाने के लिए और सहयोग करने के लिए, वो आयुर्वेद और ऑर्गेनिक था। तो ये उत्तराखंड देवभूमि है और इसको आयुर्वेद के हब के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस एग्जीबिशन से लोग प्रोत्साहित होंगे और आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा और आयुर्वेद को जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी उसको जानने में ये मददगार साबित होगा। दूसरा, इस तरह के आयोजन से प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आता है और लोगों में जागरूकता बढ़ती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के पुष्कर सिंह धामी जी का विजन चल रहा है इन्वेस्टर समिट, उस इन्वेस्टर समिट को भी ये सहयोग करेगा आयोजन, इसलिए इसको आयोजित किया गया है।